ये हॉस्पिटल में इतने सारे ये जो खड़े हैं हार्वेस्टर वगैरह क्या क्या है? तो खाली हार्वेस्टर रखने का जगह बनाया, वहाँ ताश करने का जगह हो गया, यही सब तो आदमी रह रहा है। अच्छा, ताश खेलने का जगह हो गया बस, अब इसमें कर्मचारी है ये नहीं। आपको किसने अप्रूवल दिया वहाँ पे ताश खेलने के लिए, बताइए? ये तो देखिए खुला है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपना खुला रहता है, अपना चल जाता है। सर, आपके गांव में तो दो दो स्वास्थ्य केंद्र हैं? हाँ, दो दो स्वास्थ्य केंद्र हैं। बड़ी खुशी हो रही होगी ये, है ना? हाँ। किस चीज की खुशी? स्वास्थ्य केंद्र है इसलिए खुशी है, डॉक्टर नहीं आते इसलिए खुशी है? स्वास्थ्य केंद्र है उसी खाली खुशी है, डॉक्टर तो यहाँ आना नहीं, तो उसके लिए कोई फायदा उससे है भी नहीं। अच्छा, मतलब बस उसकी उपस्थिति से ही आप खुश हैं? नहीं, मैं खुश कैसे रहेंगे, वो जब डॉक्टर साहब यहाँ रहबे करते हैं तो उससे खुश कैसे हम लोग हैं, जब यहाँ कोई इलाजे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, न दवा है न डॉक्टर है, तो उससे कैसे हम लोग खुश रहेंगे? जनता कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं मघी आवाज़, यानी आपकी आवाज़। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे नरहट प्रखंड में स्थित आदर्श ग्राम खनमा कहे जाने वाले एक गांव में, जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कहने के लिए तो दो दो हैं, पर शायद कुर्सी कुमार ने इसका नव निर्माण करवा के यहाँ इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने सुधार दी, पर हकीकत में इसके कार्यों की अगर तुलना करें अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से तो आप पाया जाएगा कि 0% से भी बहुत बहुत ध्वस्त व्यवस्था है यहाँ की। शायद कुर्सी कुमार भूल चुके हैं कि कोरोना ने पैर फैला लिया है, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है इससे बहुत सारे लोग इफेक्टिव हुए। अगर देखा जाए तो कोरोना से इतने सारे लोग इफेक्टिव हुए और खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शायद हमारे जो नीतीश जी है वो इंतज़ार में है कि नहीं अभी तो नरहट नहीं आया, नहीं अभी तो खनमा नहीं आया, कभी खनमा में अगर जब तक 50 से 60 लोग संक्रमित नहीं होंगे तो शायद यहाँ के जो केंद्र अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वो शायद चालू नहीं होंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या है इन लोगों की थिंकिंग, वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में। रॉकी, आप इस गांव के स्थानीय निवासी हैं? जी, मेरा गांव आदर्श ग्राम खनमा में अस्थायी रूप से है, तो दो दो स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन अस्थायी रूप से दोनों बंद है। यहाँ पे कोई विधि व्यवस्था नहीं है, जबकि हम सब के परेशानी होता है तो नरहट जाते हैं और आगे हिसुआ, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन खनमा में कोई सुविधा नहीं है। इस तरीके से ऑक्सीजन और बेड्स की कमी है। सपोज अगर हर जगह बेड्स फुल हो जाए और यहाँ पे कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु यहीं पे हो सकती है, कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, उसका मृत्यु बस यहीं पे हो जाएगा। व्यवस्था नहीं तो फिर इसमें सुरक्षा क्या होगा? अच्छा, डॉक्टरों की क्या स्थिति, आते हैं नहीं है स्वास्थ्य केंद्र में? डॉक्टर साहब आए नहीं करते हैं, और महीना दिन पर एक दिन आते हैं भी तो आधा घंटा रहते हैं, फिर उसके बाद तल लगा के चल जाते हैं। अगर लोग मरीज जाता है दवाई लेने के लिए भी तो बोलते हैं दवा मेरे पास नहीं है। जहाँ एक तरफ हमारी बिहार सरकार कहती है कि उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा से लेके बहुत सारी कार्य किए, तो यहाँ पे हम शिक्षा तो छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर्स आते तो हैं, वो भी महीने में एक बार, उसमें भी एक से आधे घंटे के लिए आते हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए। आइए जानते हैं अन्य से। सर, आपका नाम? अशोक कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। अशोक कुमार पांडे, सर ये जो स्थिति है आपके हॉस्पिटल की जैसा कि उन्होंने बताया, क्या सच है ये? बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ की बात नहीं है। यानी यदि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी में हो तो उसे बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा? हाँ, कम से कम नवादा तो जरूर, नवादा तो जरूर। हाँ, उसके बाद ही कुछ उपाय है। अच्छा। या फिर लोग कोई पावापुरी भागते हैं लेकर के, जैसा परिस्थिति रहा उसके अनुसार। तो यहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं मिलती, फीवर की भी नहीं मिलती होंगी, ऐसा है क्या? ऐसा है कि कभी कभी डॉक्टर साहब आते हैं, पता नहीं अब पोस्टिंग का उन लोग का क्या स्थिति है, पहले तो आते थे लेकिन अब क्या है, बोलते हैं कि नरहटे में रोक लेता है, क्या कारण से रोकता है वो तो चिकित्सा पदाधिकारी जो नरहट के हैं, इंचार्ज हैं, वो बता सकते हैं कि क्यों रोक लेते हैं, खनमा के डॉक्टर को नरहट में क्यों रोक लेते हैं। अच्छा, यानी कि स्वास्थ्य केंद्र तो है पर डॉक्टर नहीं, कर्मचारी नहीं है। सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार। अच्छा सर, ये आपके गांव की जो स्थिति है स्वास्थ्य केंद्र की, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? क्या टिप्पणी रहेगा, देख रहे हैं सब चीज लीला, इसमें टिप्पणी क्या इसमें रहेगा, डॉक्टर ने बात है तो टिप्पणी क्या है, झाड़ू देने वाला भी तो कोई है ही नहीं हॉस्पिटल में, धूल जम रही है टेबल, बस बस खाली धूल जम रही है। आपके गांव को आदर्श गांव कहा जाता है, बहुत सारी योजनाएं आई पर कार्यरत नहीं है अभी, कोई कार्य नहीं। अच्छा, यानी बस दिखावा था, बस कार्य एक ही, मेरा गांव में एक ही पशुपालन विभाग में डॉक्टर आते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो कोई संदेश, कोई अपील सरकार से आपकी? अपील क्या है, डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल में और क्या, मरीज के लिए वही ना रहेगा ठीक। आपके आपके क्या अपील होगी गवर्नमेंट से?
मेरा अपील यही है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू किया जाए। अगर ये कोरोना में नहीं चालू हुआ तो कब चालू होगा? आधा खनमा तो खत्म हो जाएगा अगर अब नहीं चालू हुआ तो। और यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था किया जाए, अनेक प्रकार के दवाई की व्यवस्था किया जाए, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। यहाँ के लोग डिलीवरी भी अगर मतलब मीडियम भी अगर कुछ कटा फटा भी तो ना हिट जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं तो फिर जिसका जैसा साधन है उसे ही लेकर निकलते हैं। जी धन्यवाद। के स्थानीय लोगों की क्या राय है, क्या सोच है और कितना गुस्सा है सरकार के सिस्टम को लेके, तो आइए हम मिलेंगे यहाँ के जो नए स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थापना हुई, आइए उसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था, कितने बेड्स हैं और वहाँ की क्या हालत है। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ यहाँ के दूसरे स्वास्थ्य केंद्र के अंदर की स्थिति। जैसा कि आप देख रहे, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इसके बैकग्राउंड में, ये मुझे स्वास्थ्य केंद्र से ज़्यादा मुझे ये किसान केंद्र लगता है, जहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ, हार्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें अनुपयोगी वस्तुएँ यहाँ पे हैं। और अगर स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, कहने को तो ये इमरजेंसी एंट्री यहाँ पे है, बट अगर यहाँ पे कोई भी मरीज़, कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो जिसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाए, जो जिसको वेंटिलेटर या आईसीयू की अगर ज़रूरत पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आके उसको कुछ हो सकता है, कोई उसकी मदद हो सकती है। और मेरे को लगता है कि यहाँ से लेकर नरहट तक अगर किसी व्यक्ति की इमरजेंसी, कोई अकाल मृत्यु होती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो उसे कोई भी सुविधा यहाँ भी मिलने वाली नहीं। अगर सरकार ये दावा करती है कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी धरातल पे जितनी भी योजनाएं आती हैं कागज़ पे रह जाती हैं, धरातल पे आने में कहीं ना कहीं समय लगता ही है, पर ये कुर्सी कुमार की कौन सी योजनाएं हैं भाई, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, हॉस्पिटल तो डॉक्टर ही नहीं है। अभी मैं आपको ना एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारे सामने आया और एक व्यक्ति है जो इस स्वास्थ्य केंद्र की देख रेख करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वेतन नहीं मिलता, व्यवस्थाएं नहीं है, तो पैसे और फंड कहाँ जाते, नीतीश जी इसका करते क्या है? तो आइए एक बार मिलते हैं इनसे, जानते हैं क्या आपने कहा कि आपको वेतन नहीं मिल रहा है कितने सालों से? नहीं सर, साल नहीं हुआ है, 4 महीना होने वाला है। अच्छा, 4 महीने से आपको वेतन नहीं मिला? जी नहीं। आपकी बहाली कब हुई थी? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को। अच्छा एक बात बताइए, अभी 4 महीने से आपको वेतन नहीं मिला, तो ये भी तो हो सकता है ना कि भाई डॉक्टर्स नहीं आ रहे, तब काम वाम नहीं है तो वेतन नहीं मिल रहा होगा। अब तो सर ऊपरला जाने, हम लोग को तो अभी तक तो कोई जानकारी विशेष नहीं है। हमारा जो 8 घंटा ड्यूटी है, 5 गार्ड हैं सर, हम लोग 8 घंटा के हिसाब से ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपकी ड्यूटी जा रही है बट सैलरी नहीं आ रही? जी नहीं। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे 5 गार्ड है इसमें। हाँ, 5 गार्ड की मतलब ड्यूटी 2 गो यहाँ है। हाँ। और 3 गो बाहर उधर है। अच्छा। तो तीनों जाते हैं अपना अपना ड्यूटी पे, वहाँ वैक्सीन जहाँ पड़ता है वहाँ। तो सैलरी किसी की नहीं आ रही अभी? किन्हीं का नहीं सैलरी मिला है। आपने पूछा नहीं कि भाई सैलरी हमारी कौन बर्थडे केक में यूज कर रहा है? बताएंगे वो गार्ड साहब ना। अच्छा, मतलब आपने कंप्लेंट नहीं की इसके अगेंस्ट कि हाँ हमारी सैलरी कहाँ जा रही है? क्यों? आपके गांव में तो 2-2 स्वास्थ्य केंद्र है, इलाज अच्छे से होता होगा? कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा, इलाज नहीं होता? अच्छा, मेरे को लगता है कि जो कुर्शी कुमार है उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना, हॉस्पिटल बना देना ही इलाज है, क्या ऐसा मुमकिन है बिना डॉक्टर के? ना, यहाँ तो समझे बैठका का। अच्छा, बना कर। अच्छा, बैठका, लोग यहाँ पे आके बस बैठते हैं, बच्चे बस, क्रिकेट खेलते हैं? बस बस वही हो रहा है, क्रिकेट। अच्छा। खेलता है अपना, कोई शीशो फोड़ दिया जिसको बच्चा उच्चा अपना मन हुआ तो। मैंने सुना है कि डॉक्टर कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं, हफ्ते में एक बार आ भी जाते हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, रास्ता तो पूरा भूला हुआ है डॉक्टर साहब। अच्छा, यानी अब रास्ते अच्छे से वो भूल चुके हैं? वो नहीं किया होगा कि कैसा हॉस्पिटल है डॉक्टर यहाँ। हाँ जी, आप बताइए। कभी कभी वैक्सीन का जो प्रोग्राम चलता है तो जो प्रभारी है कभी कभी आते हैं। अच्छा। जब एरिया में वैक्सीन पड़ने लगता है तो, नहीं तो फिर सिर्फ गार्ड रहता है, यहाँ का जो गार्ड है गार्ड रहता है, बाकी कोई यहाँ सेवे नहीं है। अच्छा। चालू होने वाला था कि नीतीश कुमार आएंगे, 28 फरवरी को उद्घाटन होने वाला था, उद्घाटन भी नहीं हो पाया, और तब से जनता यहाँ का, ग्रामीण जनता आसरा में लगा हुआ है कि कब चालू होगा, कब चालू होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है। आपके कहने का मतलब है कि जब वैक्सीन की बारी आती है तो दिखा दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, है ना? हाँ। आपका नाम सर? मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ। अच्छा सिंटू कुमार, एक बात बताइए, आपके खनमा की जो स्थिति है, 2-2 स्वास्थ्य केंद्र है और ये हालत है, क्या हालत है कि नीतीश कुमार जी 4 करोड़ रुपया देने के लिए एग्री हैं, लेकिन बिल्डिंग बना दी इतनी सुंदर, लेकिन एक यहाँ न तो डॉक्टर है न तो कर्मचारी, एक मतलब फर्स्ट स्टेज के लिए न इंट्रो कैप है, न आई वी सेट है, न
कुछ है, और बस खाली बिल्डिंग देखने के लिए, इसमें बैठने के लिए, कटुआ धरने के लिए बनाए हैं, और यहाँ नियुक्ति करने के लिए भूल गए, और जो सिस्टम कर दिए हैं ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र, बच्चा का पढ़ाए ऑनलाइन, इससे यह होता है कि ऑनलाइन जो इसमें यहाँ डॉक्टर के मतलब हॉस्पिटल भी ऑनलाइन यहाँ चालू हो गया, लेकिन डॉक्टर यहाँ एक भी ड्यूटी में नहीं आते हैं, एगो कंपाउंडर भी नहीं आते हैं, ऑनलाइन में चालू ही है, लेकिन इसमें न तो डॉक्टर न तो कंपाउंडर न तो इसमें एक इलाज होती है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि इस शिक्षा के साथ साथ सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। शायद हमारी कृषि कुमार इंतजार कर रहे हैं, अरे अभी नवादा में कोविड नहीं आया, अच्छा नवादा में आ गया, नरहट में नहीं आया, अरे नहीं अभी खनमा में नहीं आया, शायद दो तीन लोग जब पॉजिटिव होंगे, जब हालत बहुत ज्यादा तीव्र रूप ले लेगी, तब शायद हमारे कृषि कुमार कोई फैसला ले ले। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। सर आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष कुमार, ये हॉस्पिटल में इतने सारे ये जो खड़े हैं हार्वेस्टर वगैरह क्या क्या है? तो खाली हार्वेस्टर रखने का जगह बना हुआ है, वहाँ ताश करने का जगह हो गया, अच्छा। यही सब तो आदमी रह रहा है। अच्छा, ताश खेलने का जगह हो गया बस, अब इसमें कर्मचारी है ये नहीं। आपको किसने अप्रूवल दिया वहाँ पे ताश खेलने के लिए, बताइए? ये तो देखिए खुला है, कोई गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपना खुला रहता है, अपना चल जाता है। अच्छा, मतलब कि खुला हुआ है, यानी कि ताश खेलने का अड्डा, बच्चों को जाके पढ़ा भी तो सकते हैं वहाँ पे बिठा के। हाँ, तो वो तो बात है, तो बाकी यहाँ पब्लिक सब वैसा है, और कर्मचारी भी वैसा है, कर्मचारी पांच को गार्ड के बहाली की है, तो फिर वो चल गया नरहट। तो ये है हमारी सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगी आवाज, आपकी आवाज ज्योति मिश्रा के साथ, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।